अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर 15 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेम एज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो बेटा अगर हमने एसी वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो, ठीक है, तो फिर हम एसी वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में हमेशा अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, डीसी पर ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं होता। टॉपिक से पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर को हम डीसी पर ऑपरेट क्यों नहीं कर सकते, वाई ट्रांसफार्मर कैन नॉट ऑपरेट ऑन डीसी। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर इज़ ऑलवेज ऑपरेट ऑन एसी सर्कल, ये कह लें या एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट पर ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है। ठीक है, तो एसी वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करने के लिए, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या हुई, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, used to increase or decrease the value of AC voltage। ठीक है, तो ये तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन होगी। अब ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पर क्या करता है, फिजिक्स के किसी ना किसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, देखते हैं जी, वो क्या है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन, एक कॉइल में ईएमएफ की वजह से किसी दूसरी कॉइल में भी क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ या करंट, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना, एक कॉइल में ईएमएफ की वजह से दूसरी कॉइल में भी इंड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, पैदा हो जाता है ईएमएफ, ये म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, अब हम इसकी ज़रा कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर बनता कैसे है। कंस्ट्रक्शन, आपको पता है कि बहुत से हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जिस तरह जस्ट लाइक एक जो डोर बेल होती है, डोर बेल ऑपरेट होती है नॉर्मली 12 वोल्ट से, तो जो हमारे पास मेन लाइन से वोल्टेज आ रहे होते हैं वो 220 वोल्ट आ रहे होते हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। तो फिर हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर उन 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एसी वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं। इस तरह ट्रांसफार्मर वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ भी करते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में जो मेन चीज़ें होती हैं ना, वो तीन होती हैं। नंबर वन, प्राइमरी कॉइल। नंबर सेकेंड, सेकेंडरी कॉइल। और नंबर थर्ड, सॉफ्ट आयरन कोर। ये तीन चीज़ें हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की वर्किंग में, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, अब देखें जी, ये अगर एक ट्रांसफार्मर की रिक्टेंगल, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर, इट कंसिस्ट ऑफ अ रिक्टेंगुलर आयरन कोर, ये हमारे पास एक आयरन कोर है। ठीक है जी, ये हमारे पास है एक आयरन कोर। ठीक है, इसका जो वन एंड होता है, एक को हम कहते हैं जी प्राइमरी, इसमें जो ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन्हें हम डिनोट करते हैं एन पी से, तो इन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इंडिकेटेड बाय एन पी। तो एक साइड को हम कहते हैं प्राइमरी, और ये जो टर्न्स हैं ये प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए प्राइमरी कॉइल, वो वोल्टेज जिसकी वैल्यू हमने चेंज करना होती है, द वोल्टेज हुज वैल्यू इज टू बी आल्टर्ड
गिवन टू प्राइमरी कॉयल, वो जी हम इस प्राइमरी कॉयल को वोल्टेज देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वो वोल्टेज है जिसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, VP, वो वोल्टेज है जिसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, चेंज करनी है। तो वोल्टेज हम किसे देंगे, प्राइमरी कॉयल को, और प्राइमरी कॉयल में जो टर्न्स की तादाद होती है उसे हम क्या कहते हैं, NP, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल NP, वो वोल्टेज जिसकी वैल्यू हमने चेंज करनी है वो वोल्टेज हम किसको देते हैं जी, प्राइमरी कॉयल को, ठीक है। ये होती है जी एक दूसरी कॉयल जिसे हम, ये अगर प्राइमरी कॉयल है, प्राइमरी कॉयल, तो बेटा ये साथ वाली जो कॉयल होती है सेकेंडरी कॉयल, ठीक है। सेकेंडरी कॉयल में भी ये टर्न्स होती हैं, जो सेकेंडरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स होती है उन्हें हम कहते हैं NS। सेकेंडरी कॉयल में टर्न्स की तादाद को NS से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉयल में जो टर्न्स होती हैं NP, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल डिनोटेड बाय NS, ठीक है। और वोल्टेज, चेंज्ड वोल्टेज हम लेते कहाँ से हैं, यहाँ से जी हम चेंज्ड वोल्टेज लेते हैं, इसे आप VS कह लें, ठीक है। तो जो चेंज्ड वोल्टेज है वो सेकेंडरी कॉयल से लिया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी कॉयल को हम वोल्टेज देते हैं, कौन सा वोल्टेज देते हैं, जिसकी वैल्यू हमने क्या करनी होती है, चेंज, ठीक है। जिस वोल्टेज की वैल्यू चेंज करनी होती है वो वोल्टेज हम किसे देते हैं जी, प्राइमरी कॉयल को, ठीक है। और जो चेंज वोल्टेज, चेंज होने के बाद जो वोल्टेज है वो हम कहाँ से ले लेते हैं, सेकेंडरी कॉयल से, ठीक है। तो वोल्टेज जो प्राइमरी कॉयल को वोल्टेज देते हैं उसे हम कहते हैं जी प्राइमरी वोल्टेज VP, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल NP एंड नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉयल NS, ठीक है। अब देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अब एक इसका जो बेसिक वर्किंग कॉन्सेप्ट है, हम इसमें यूज करते हैं AC ट्रांसफार्मर में, हम जो वोल्टेज जो AC करंट यूज करते हैं, जब हम AC वोल्टेज देते हैं, ठीक है जी, जब AC वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है प्राइमरी कॉयल को, अच्छा ये जो प्राइमरी वोल्टेज को हम VP से भी इंडिकेट कर सकते हैं और EP से भी इंडिकेट कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह VS या ES से भी, मीन EMF से भी इसे क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी देखें, हमने प्राइमरी कॉयल को वोल्टेज दिया, जब हमने प्राइमरी कॉयल को वोल्टेज, हमने कौन सा दिया, AC वोल्टेज, प्राइमरी कॉयल को जो हमने वोल्टेज दिया वो वोल्टेज है AC वोल्टेज। जब इस कॉयल में से AC वोल्टेज पास करेगा तो इस, आपको पता है AC वोल्टेज ऐसा वोल्टेज होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, तो जब इस कॉयल में से AC वोल्टेज पास करेगा तो ऐसा वोल्टेज है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इट मीन्स इस कॉयल के अराउंड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जो चेंज हो रही है। अब जब इस कॉयल के अराउंड एक, जब कॉयल में से पास करता है वोल्टेज, कॉयल मैग्नेट बन जाता है, अभी एक ऐसा मैग्नेट बनेगा कि जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, ऐसी वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो कॉयल जब मैग्नेट बनेगी तो कॉयल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। अब यानी कि इस कॉयल में से ऐसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है जो चेंज हो रही है, जब वो इस कॉयल में ऐसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर होंगी जो चेंज हो रही है, तो इस कॉयल में एक सेल्फ इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। यानी कि उसे हम कहेंगे प्राइमरी EMF EP कहेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, माइनस NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यानी कि इस कॉयल में, एक कॉयल में जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस होगा उसका फार्मूला होगा माइनस NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी यानी चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी कॉयल, यानी कि प्राइमरी कॉयल में जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना इसमें क्या इंड्यूस होगा, EMF, ठीक है जी। अब देखें, अब जब यही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेबरिंग कॉयल में से पास करेंगे, जिस तरह आपने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा है कि यही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जब पास करेंगी नेबरिंग कॉयल में से, तो नेबरिंग कॉयल में से ऐसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रही हैं जो चेंज हो रही हैं, जिससे इस कॉयल का जब फ्लक्स चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, इस कॉयल का फ्लक्स भी चेंज होगा, इसमें भी एक EMF इंड्यूस होगा, वो EMF होगा सेकेंडरी इंड्यूस EMF ES, उसका फार्मूला क्या होगा, माइनस NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो इस कॉयल की इक्वेशन माइनस NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी,
इसकी माइनस ns डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, जो इस कॉइल में, जब एक कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होती है, तो उसमें जो सेल्फ इंड्यूस, आपने सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में पढ़ा था, वो उसका फार्मूला होता है माइनस एन बी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। और इस जब यही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करती है नेबरिंग कॉइल में से भी, तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है माइनस एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो अब बेटा आप ये करें कि एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन पर आप क्या कर दें, डिवाइड। इसे अगर आप, मैं फर्स्ट कह दूं, इसे मैं अगर सेकंड कह दूं, तो डिवाइड कर दें सेकंड बाय फर्स्ट। यानी कि सेकंड इक्वेशन थी ईएमएफ एस ओवर ईएमएफ पी इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी ओवर माइनस एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी कट, माइनस माइनस से कट, तो ईएमएफ एस ओवर ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल ओवर ईएमएफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। तो ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक इस इक्वेशन तक चले, बाकी इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने कॉपी भी करके लाना है, लिख के भी लाना है आपने, ठीक है, यहाँ तक इस टॉपिक को। ओके, अल्लाह हाफिज़।